बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं तैमूर मलिक और आप देख रहे हैं तैमूर मलिक पीटी के यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हम मौजूद हैं बैरिया हाइट्स। बैरिया हाइट्स की ये टू बेड लाउंज अपार्टमेंट हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे। तो ये आज आपको शॉर्ट टूर कराना था और इनमें से एक अपार्टमेंट है मेरे पास बहुत ही प्राइम लोकेशन का, जो कि कॉर्नर भी है, पारफेस भी है और आउटर फेसिंग है, फर्स्ट फ्लोर है, जो कि अवेलेबल है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1,25,00,000 रुपये में चाबी के साथ विद की ब्रांड न्यू। तो वो भी आपको दिखाना है। तो आप ये देख रहे हैं ये बैरिया हाइट्स हैं जो कि ग्राउंड प्लस 9 टू बेड लाउंज के अपार्टमेंट हैं। कम से कम कवर्ड एरिया 1100 है और जो मैं आपको अपार्टमेंट दिखाने वाला हूं वो है तकरीबन 1950 स्क्वायर फीट। तो जनाब वीडियो को लंबा नहीं करते और आपको दिखाते हैं वो अपार्टमेंट जो अवेलेबल है मेरे पास फॉर सेल के लिए। तो जनाब ये है टावर जी। टावर जी का फर्स्ट फ्लोर अपार्टमेंट है मेरे पास, जो कि कॉर्नर है, पारफेस है और आउटर फर्स्ट फ्लोर। तो हम इस वक्त मौजूद हैं इस वक्त उस अपार्टमेंट का जो अवेलेबल है मेरे पास फॉर सेल के लिए। ये आप देख रहे हैं पैसेज का एरिया, ये इस अपार्टमेंट का पैसेज एरिया है जी। ये पैसेज एरिया है, आइए आपको अंदर से विजिट कराते हैं अपार्टमेंट का। 1950 स्क्वायर फीट का ये अपार्टमेंट है। राइट साइड पे आपको मिलता है ये एक स्टोर रूम जहाँ आप अपने इजाफी सामान चीजें स्टोरेज कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे बिल्कुल ब्रांड न्यू अपार्टमेंट है। ये इसका है पाउडर वॉशरूम, ये पाउडर वॉशरूम है। ये आपका टीवी लाउंज आ गया, काफी बड़ा टीवी लाउंज है। टीवी लाउंज के साथ सीधे हाथ पर ये आपको मिलता है बेडरूम नंबर 1 जो कि अटैच बाथरूम है। तो ये हम बेडरूम में दाखिल हो गए। ये फर्स्ट बेडरूम है, ये आप देख रहे हैं ये फर्स्ट बेडरूम है। ये इसकी वार्डरूम आ गई बेडरूम की और ये बेडरूम की विंडो जहाँ से आप खूबसूरत हाइट्स के टावर और सामने ये पार्क का व्यू कर सकते हैं। तो जनाब ये इसका अटैच बाथरूम आ गया, बिल्कुल ब्रांड न्यू अपार्टमेंट है ये मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल पे, जो कि है 1950 स्क्वायर फीट। जी हाँ, 1950 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया का अपार्टमेंट है, टू बेड लाउंज। तो इस वक्त हम दाखिल हो रहे हैं सेकेंड बेडरूम में, ये बेडरूम नंबर 2 है। यहाँ भी विंडो दी हुई है बेडरूम में, ये देखिए आप, और साथ साथ ये इस बेडरूम की वार्डरूम, ये इस बेडरूम की वार्डरूम आ गई। ये इसका अटैच बाथरूम, ये अटैच बाथरूम है और ये इस बेडरूम की विंडो। इस विंडो से भी आपको इस खूबसूरत नज़ारे का व्यू मिलता है। अब चलिए आइए आपको बाहर दिखाते हैं। राइट साइड पे ये आपको किचन मिलता है, ये इसका किचन है, किचन भी रेडी है, बस आपने अप्लाइंसेस लगानी है। तो जनाब ये था इसका किचन। तो चलें अब आपको दिखाते हैं इसका टेरेस और टेरेस से आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं जो कि इस पूरे अपार्टमेंट का खूबसूरत लोकेशन है। अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें जो कि मेन गेट से है, तो मेन गेट से तकरीबन ये कोई 7 से 7.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वाकिया है बैरिया हाइट्स, जो कि आप मैप में देख रहे होंगे बआसानी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अपार्टमेंट, ये लोकेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये अपार्टमेंट, ये लोकेशन पसंद आई, ये मेरी वीडियो पसंद आई, तो मेरी वीडियो को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर ज़रूर करना है, ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो और बैरिया से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो भाई ये इसका वही पैसेज एरिया है, काफ़ी मॉडर्न स्टाइल में बना हुआ है, ये आप देख रहे होंगे, जैसे किसी दुबई की अपार्टमेंट में आप इस वक्त विजिट कर रहे हैं। तो भाई ये इस वक्त है इसका रात का मंजर, इस टावर का, इस पूरे बैरिया हाइट्स का। ये इसका रात का मंजर है, नीचे आपको ग्राउंड पे कुछ लाइट्स नजर आ रही हैं, ये सारी शॉप्स हैं इसकी। ग्राउंड प्लस 9 का ये प्रोजेक्ट है, नीचे कमर्शियल शॉप्स हैं, ऊपर अपार्टमेंट है। तो ये रात का मंजर आप देख रहे हैं, फैमिलीज यहाँ इंजॉय कर रही हैं, काफी शॉप्स यहाँ खुली हुई हैं, लोग यहाँ रह रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं ये अपार्टमेंट को खरीदना, तो दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता करें और आज ही इस अपार्टमेंट के मालिक बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।